हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग। तो देखिए, IAF चीफ टेक्स डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन स्पेन। इंडियन एयर फोर्स चीफ, देखते हैं। मेकिंग अ मेजर रिवैम्प ऑफ इट्स ट्रांसपोर्ट फ्लीट, द इंडियन एयर फोर्स ऑन वेंसडे रिसीव्ड द फर्स्ट C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस। आईएएफ चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी फॉर्मली received symbolic key to the first aircraft of the air at the Airbus facility in Seville, Spain. तो स्पेन में इनको पहला एयरक्राफ्ट अपना मिल गया है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अपना एयरक्राफ्ट है। द 56 C-295 एयरक्राफ्ट विल रिप्लेस द एजिंग एवरो एयरक्राफ्ट। तो ठीक है, इसको हटा रिप्लेस कर रहा है ये। इट इज़ अ मोमेंटस डे फॉर अस द IAF इन पर्टिकुलर and the nation as a whole to be receiving the first aircraft which marks the beginning of a new era where we will be manufacturing a military aircraft in India, the IAF chief said while speaking to। ठीक है, इन्होंने मतलब यही बोला है कि अब इसको नया एरा हो रहा है, हम लोग इंडिया में भी बनाएंगे। जॉइंट वेंचर क्या है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट 16 एयरक्राफ्ट विल कम इन फ्लाई अवे कंडीशन फ्रॉम सिविले, वाइल 40 विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एयरबस जॉइंटली विद टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। वर्क मतलब यहाँ पे हम लोग 16 तो ले आएंगे वहाँ से, और 40 टाटा टाटा एडवांस एयरबस मिलके दोनों बनाएंगे इंडिया में। वर्क इज अंडर वे टू सेटअप द फाइनल असेंबली लाइन। तो यहाँ पे फाइनल असेंबली लाइन सेटअप करने की बात हो रही है एट अ वडोदरा इन गुजरात, गुजरात में। एंड द फर्स्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया विल बी डिलीवर्ड इन सेप्टेम्बर 2026 एज रिपोर्टेड। तो सेप्टेम्बर 2026 में पहला एयरक्राफ्ट टाटा और जो एयरबस मिलकर बनाएंगे वो डिलीवर हो जाएगा। टुडे एयरबस हैंडेड ओवर द फर्स्ट C-295 फॉर इंडिया इन अ फ्लाई अवे कंडीशन। इट कम्स इन ट्रांसपोर्ट कॉन्फिग्रेशन इक्विप्ड विद इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एंड विल रिप्लेस द इंडियन एयरफोर्स एजिंग एवरो 748 फ्लीट। इन द नेक्स्ट 5 days द जॉइंट IAF Airbus crew will fly the aircraft from Sivile to Delhi. Airbus Defence and Space, इन्होंने ऐसा बताया कि 5 दिन में इंडिया में भी आ जाएंगे। Improved relation. In September 2021, the Defence Ministry signed a 22,000 crore deal with Airbus and Space SA Spain for procurement of 56 C-295 MW transport aircraft to replace the Avro aircraft इन ए सर्विस विद द IAF। तो ठीक है, यही बात हो रही है। द फर्स्ट 16 ऑफ द 56 एयरक्राफ्ट ऑन ऑर्डर विल बी असेंबल्ड इन सैन पेब्लो सूर साइट इन सेविले स्पेन विद द सेकेंड एयरक्राफ्ट ड्यू टू बी डिलीवर्ड इन मे 2024 एंड द नेक्स्ट 14 रोल्ड आउट एट द रेट ऑफ 1 per month until August 2025। तो हर महीने एक भेजेंगे, उसके बाद यही बात है। C-295 एयरक्राफ्ट डील is valued around $2.5 billion and it will significantly impact bilateral relation as well as economic ties between India and Spain. Indian envoy to Spain Dinesh K. Patnaik told PTI at a ceremony. उन्होंने ऐसा बताया है। Jean Brice Domont, Airbus head of military air system, noted that it was only 2 years ago that the contract was signed with India. The largest order of the history of C-295 indigenous radar warning system receiver and missile approach warning system made by BHEL, that is Bharat Electronics Limited, and countermeasure dispensing system made by Bharat Dynamics Limited BDL have been certified and installed in the first aircraft. So देखो, aircraft तो अभी उनका है, तो उसमें जो system लगे हुए हैं वो Indian है। Multi pronged feature production of component of the aircraft to be made in India has already started in the main constituent assembly facility in Hyderabad and these parts will be shipped to Vadodara at final assembly line which is expected to be operational by November 2024. The 56th and the final aircraft expected to be delivered to the IAF by August 2031, their statement said. मतलब 2026 में स्टार्ट होगा इंडिया में जो बना है वो वापस आना, मतलब डिलीवर करना, और 2031 तक 56 तो वो लास्ट वाला आपका वो डिलीवर कर दिया जाएगा। द C-295 विद
कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 9 टन, कैन कैरी अप टू 71 ट्रूप्स एंड 50 पैरा ट्रूपर्स, एयर ड्रॉप कार्गो बी यूज फॉर मेडिकल इवैक्यूएशन एंड टेक ऑफ द लैंड ऑन शॉर्ट एंड अनपेव्ड रनवे अकॉर्डिंग टू एयरबस। तो देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सबसे पहले हमारे लिए C295 ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितने आने हैं? 56 आने हैं। ठीक है, जो पहले 14 है वो आपके स्पेन से आएंगे। ठीक है, किसका है? एयरबस का है। उसके बाद के जो रिमेनिंग है, ठीक है, वो आपके कहाँ बनेंगे? इंडिया में बनेंगे, इंडिया मेड। ठीक है, जॉइंटली बाय टाटा एंड एयरबस। ठीक है, ये रिप्लेस किसको कर रहा है? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एवरो किधर गया आपका? एवरो एयरक्राफ्ट रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसकी कैपेसिटी अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एंड में कैपेसिटी दिखाया है यहाँ पर, आप देखिए कैरी अप टू 71 ट्रूप्स, कैपेसिटी ऑफ 90 टन्स। 90 टन्स हमारी इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। कहाँ यूज़ होगा? कैसे भी रनवे पा अनपेव्ड पाथवे रनवे पे उतर जाएगा। 50 पैरा ट्रूपर्स एंड 71 ट्रूप्स और मेडिकल एक्सकेविशन यहाँ पे यूज़ हो सकता ही है। ये डील हमारी हुई थी, आप देखिए 22,000 करोड़ की डील हुई थी अपनी ये। एंड हमारे लिए इसमें सच ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा ये सॉरी 16 नहीं है, ये 40 नहीं है, 16 है। और रिमेनिंग कितने हो जा रहे हैं आपके? 40, टोटल 56 है, ये 40 है, ये होगा। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है, और उसमें जो हम लोग सिस्टम्स लगा रहे हैं अलग अलग, जैसे कि आप देखिए वो इंडिजीनियस है, भेल और BDL के थ्रू बनाया हुआ। रडार वार्निंग रिसीवर एंड मिसाइल अप्रोचिंग वार्निंग सिस्टम हो गया भेल का, और आपका ये काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम हो गया BDL का। तो ये कुछ चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ये इंडिया में भी अब बनेगा। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।